जी बताइए क्या है पूरी मामला। यहाँ पे बोला गया कि लोन के लिए 2500 रुपया देना माने चाहिए और 5 साल के लिए इंश्योरेंस बनेगा उनका, कोई मतलब 5 साल में आप कितना बार भी लेनी देनी करेंगे उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो वही बात हुआ और पैसा लेने के बाद मैं गया ना तो ये फ़ोन भी नहीं उठाने लगा बात में। पहले तो बोला कि हाँ देंगे देंगे, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा, 2 महीना में हो जाएगा। फिर बाद में बोल बाद में फ़ोने बंद कर दिया। फिर हम यहाँ पे नहीं, कल क्या हुआ कल क्या हुआ? तो कल हम बेनीपट्टी गए हुए थे मशीन लाने के लिए, पब्लिक लोग हमको फ़ोन किया कि वो आया हुआ है पैसा देने के लिए। हम बोले उनको अपना हिसाब किताब भाई कैसा है क्या है वो कर लीजिए और पैसा ले आए। तो यहाँ पे सामने हम भी आए, आने के बाद में वहाँ पे पैसा ये बोलने लगा पैसे के बारे में। तो हम बोले कि भाई पब्लिक को बैठा लो, देने के बाद में दूसरे आदमी को हाथ में दिया वहीं पर पब्लिक को। पब्लिक ने एक आदमी देखा तो बोलता है कि ये तो नकली पैसा है, लूज लग रहा है। लूज होने के बाद में तुरंत फिर दूसरा आदमी देखा वो मोबाइल बारा तो बोलता है पूरे का पूरा ये अलग। कितने का नोट था? 100 का। 100 का नोट। और कितना था पूरा नोट? पूरा 10,000 पूरा का पूरा नकली था क्या? हाँ। ये कौन है ये व्यक्ति? ये दीपक कुमार। और क्या करते हैं ये? सर ये नहीं मालूम है, लोन के बारे में मालूम है कि हम लोग का इधर आया था कि लोन देने। क्या डेरा उरा लेकर के वहीं पर रहते थे? कहाँ? नहीं नहीं, वैसे आप लोग विश्वास करके उनको अपना हाँ समूह बनाया आप लोग? हाँ। महिलाओं का? हाँ महिला वाला। आपका नाम क्या हुआ? रामानंद ठाकुर। घर? कमतोल। थाना? हरलाखी। एक चीज बताइएगा, हाँ ये जो व्यक्ति है आप तक कौन पहुँचाए थे? हमारा एक भतीजी है वही फोन बात किया कि अच्छा आदमी है वो लोन देगा। कहाँ रहती है? ये हरलाखी है। वही किया? करीब कितने दिन पहले इनसे संपर्क हुआ? लहरनिया। इनसे संपर्क कितने दिन पहले हुआ करीब? ये लगभग फिर भी 5-6 महीना हो गया सर। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ? इनको जाली नोट होने के बाद में क्या पुलिस को सूचना की है? हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे पूरा पब्लिक इनको पहले रोका गया, रोका जाने के बाद में सभी आदमी वहाँ पे सुरेश भाई लोग भी आया, सुरेश भाई लोग भी उनको मैंने बात किया, बात करने के बाद में फोन किया। उसको तो गिरफ्तार हुआ? हाँ सर।